क्वेश्चन नंबर 7.26 हम देख रहे हैं, प्रूव परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और बी पार्ट में बोल रहा है प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो हम ए पार्ट पहले सॉल्व करते हैं, है ना, पहले ए पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। हम बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करें तो हमें ध्यान से एक कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को समझें तो हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना है कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द प्लेन लेमिना। नाउ कंसिडर दिस प्लेन लेमिना इज एट द एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन पर वो प्लेन लेमिना है। तो हमने यहाँ पर एक्स वाई प्लेन कंसिडर कर लिया, ओके, और उसमें ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ओके, इट इज़ द जेड एक्सिस। एंड व्हाट इज पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, दैट इज़ द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मतलब कि इस आई एक्स के अबाउट प्लस आई वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें ये समझना है कि जो दो एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू इच अदर विच आर इन द प्लेन ऑफ दिस लेमिना दैट यू हैव टू एड एंड देन यू विल फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द परपेंडिकुलर विच इज़ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस लेमिना, उस लेमिना के परपेंडिकुलर आई जेड के अबाउट आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपने ऐसा कहा कि आई जेड प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स, वो बहुत गलत होगा। क्यों? क्योंकि वो उस लेमिना में के प्लेन में नहीं, उसी के डेरिवेशन की हम बात कर रहे हैं। जब ध्यान से समझते हैं, हमने यहाँ पर एक छोटा सा मास कंसिडर किया डी एम, ओके, और इससे अगर हम एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो वो होगा, हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते, तो वो होगा वाई आई। तो आई एक्स को हम लिखेंगे समेशन आई इक्वल टू वन टू, है ना, इट इज एम आई, इट इज एम आई, आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई वाई आई स्क्वायर। सेम एज इट इज अगर हम वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखें तो वो होगा एक्स आई, ओके, तो हम लिख सकते हैं आई वाई इज इक्वल टू समेशन I equal to 1 to n m I x I square, okay, that is the definition of moment of inertia। और अगर हम z axis से बात करें तो distance कितना होगा, ठीक है, z I यहाँ पर होगा root of, या z I square अगर हम देखें तो वो होगा according to Pythagoras theorem x I square plus y I square, x I square plus y I square। तो अगर हम आई जेड कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एम आई जेड आई स्क्वायर, और जेड आई स्क्वायर का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एम आई, व्हाट इज दिस जेड आई, इट इज एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, ओके। थोड़ा सा ध्यान से हमें समझना है, अगर इसका हम टॉप व्यू देखें, ऊपर से इसको देखें तो कैसा दिखेगा, ये टॉप व्यू है इसका, ठीक है, ऐसा, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है वो वाई आई है, ये जो डिस्टेंस है वो एक्स आई है, और ये जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा, ऐसा एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, ये है वाई आई, ये है एक्स आई, और ये होगा जेड आई। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दिया, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि आई जेड नाउ बिकम समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस एम आई वाई आई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ओके, सो इट इज़ द प्रूफ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, अगर हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रूव करना है तो वो भी बहुत इजी है, वो भी देखते हैं हम।